नमस्कार फ्रेंड, झटपट झटपट घरेलू डिश में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे अनार जूस चावल, जो ये बहुत ही शक्तिवर्धक है। फ्रेंड, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अनार के जूस से चावल। फ्रेंड, आज झटपट झटपट घरेलू डिश में बना रहे हैं एकदम यूनिक डिश, एनर्जेटिक एकदम चावल। देखिए, इसके लिए हमने लिए हैं 1 केजी अनार लिए थे। फ्रेंड, ये अनार से बहुत ही अच्छा चावल बनेगा। फ्रेंड, आप देखिएगा, जो बच्चों को फुल ऑफ एनर्जी देगा। फ्रेंड, इतना अच्छा ये चावल बनेगा। फ्रेंड, तो इसके लिए लिए हैं, देखिए हमने छुड़ा के अच्छे से इसको एकदम दाना निकाल लिए हैं, साफ करके बिल्कुल रखे हैं। फ्रेंड, आप भी दाना निकाल लीजिएगा, बिल्कुल साफ करके रखिएगा फ्रेंड अनार के दाने को। और मीडियम गिलास से एक गिलास चावल ले लिए हैं। फ्रेंड, आप चाहे तो बासमती राइस, कोई भी राइस ले लीजिए। फ्रेंड, हम नॉर्मल घर में जो बनता है वो चावल लिए हैं। फ्रेंड, और देखिए, बस इसमें सामान ज्यादा नहीं लगता है। फ्रेंड, बस 2 सामान से ही बहुत अच्छा एनर्जी दायक एकदम ये चावल बनता है। जीरा 1 बड़ा चम्मच ले लीजिएगा, लाल मिर्च 2-3 ले लीजिएगा, और तेज पत्ता 3-4 ले लीजिएगा बस। अब हम इसको बताते हैं किस तरह निकालना है, जूस निकालना है। फ्रेंड, इसका देखिए फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और लास्ट में देखिए कितना हम थोड़ा सा रख लिए हैं। जो बच्चे अनार नहीं खाते हैं फ्रेंड, उसके लिए भी ये बहुत सीक्रेट एकदम चावल है। फ्रेंड, एनर्जी के लिए ये चावल बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड, और हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बच्चा अगर नहीं खाते हैं तो ऊपर से डेकोरेशन मत कीजिएगा फ्रेंड, और आप इसी तरह बना के दीजिएगा प्लेयर्स, बच्चे, और आप जो भी आपको लोग है अनार अच्छा नहीं लगता है, आप इस तरह भी बना के खा सकते हैं। फ्रेंड, ये बहुत ही पौष्टिक और विटामिन भरा चावल है। फ्रेंड, तो देखिए, ये थोड़ा सा अनार हम रख लिए हैं डेकोरेशन के लिए, ये लगा दिए मिक्सी में, थोड़ा सा झटका हुआ देते हुए पीसेंगे बस। 2 या 3 बार में ही आपका एकदम जूस निकल जाएगा। फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, अब ये जूस निकल गया। अब छन्ना से इसका हम जूस निकाल लेंगे, या कोई बारीक कपड़े से इसका जूस निकाल लीजिए। फ्रेंड, इस तरह दिख रहे हैं, सारा जूस निकल गया। आप सोच नहीं सकते हैं फ्रेंड कि इससे कितना बच्चों को एनर्जी मिलेगा, आंखों की रोशनी, शहर कुछ इतना अच्छा कर देगा। फ्रेंड, अगर बच्चे ये खाएंगे तो बहुत ही एकदम एनर्जिक दायक ये रेसिपी है। फ्रेंड, देखिए कितना अच्छे से हमारा जूस 1/2 गिलास निकल गया होगा। फ्रेंड, बर्बाद नहीं करेंगे फ्रेंड, सारे जूस को इस तरह दबा दबा के निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे फ्रेंड, ताकि जो भी हमारा जूस है उसमें आ जाए, इसमें आ जाए, ये बर्बाद बिल्कुल ना हो। फ्रेंड, और खिलाड़ी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा चावल है। फ्रेंड, ये देखिए, पूरा इस तरह करके दबा के हमने जूस को निकाल ली, ये कम से कम हमारा 1 गिलास जूस हो गया होगा। फ्रेंड, जिस गिलास से आप चावल लीजिएगा फ्रेंड, उसी गिलास से आप पानी भी डालिएगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि ये जूस कितना हो गया। हम इस गिलास से 1 गिलास चावल लिए हैं। फ्रेंड, देखिए 1 गिलास और थोड़ा सा ये जूस हो गया, तब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। फ्रेंड, तो थोड़ा सा पानी, इतना पानी ही हम लेंगे, नहीं तो पूरा चावल हमारा जूस में ही बन जाएगा। फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, आप देखिए, अब इसमें पानी को मिला के रख दीजिए। अब चलते हैं चावल की तरफ। हमने अच्छे से ये चावल को धो लिए हैं। फ्रेंड, अब चलिए चावल को चढ़ा देते हैं, बस 2 मिनट में। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं फ्रेंड, तो ये जूस
अगर रेडीमेड भी लाते हैं तो 2 मिनट में ये चावल बनाकर खा सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमने एक पतीला रख दिए हैं, अब इसमें हमारा गर्म हो गया, अब इसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे, 1/2 चम्मच, इससे सब्जी वाला चम्मच से। अब इसमें देखिए घी गर्म हो जाने के बाद थोड़ा सा जी, और फ्लेम अभी लो कर लेंगे फिर, नहीं तो पतीला बिल्कुल जल जाएगा। अब आप इसमें डाल दीजिए जीरा, जो जीरा 1 चम्मच दिए थे हम इसको इसमें डाल देंगे फ्रेंड। लाल मिर्च, देखिए फ्रेंड हमारा मिर्च थोड़ा फ्राई हो गया। अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, 3-4 डाल दीजिए फ्रेंड, ताकि खुशबू भी अच्छे आ जाए। अब हम डाल लेंगे फिर ये चावल को, चावल डालने के बाद फिर थोड़ा इसको हिला लेंगे, फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करेंगे और इसको चला लेंगे। इतना थोड़ा सा भूनेंगे फ्रेंड, ज्यादा नहीं। देख रहे फ्रेंड चावल थोड़ा सा भूज गया, इससे चावल एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं फ्रेंड, एकदम खिला खिला हमारा चावल होगा फ्रेंड। अब हम डालेंगे जूस, पानी और जूस मिक्स करके अब थोड़ा सा हिला देंगे और फ्लेम मीडियम कर लेंगे फ्रेंड, ताकि हमारा चावल अच्छे से सीज जाए। देखिए फ्रेंड पानी खौलने लगा, अब इसमें जब तक खौलाइए फ्रेंड, ये पानी बिल्कुल चावल में सूख ना जाए। देखिए फ्रेंड अब हमारा पानी थोड़ा सूख रहा, और आप ऐसे देखिएगा चावल को छू के फ्रेंड कि चावल सॉफ्ट हुआ कि नहीं। थोड़ा चावल सॉफ्ट होने के बाद ही इसको गैस बंद करेंगे फ्रेंड, ताकि बाकी स्टीम से ये सीज जाता है और चावल खिला खिला होता है। देखिए फ्रेंड याद रखिएगा फ्रेंड कि फ्लेम एकदम मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा करना है, ज्यादा फ्लेम कर दीजिएगा फ्रेंड तो हमारा चावल कच्चा रह जाएगा, पानी सूख जाएगा और चावल कच्चा रह जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं पानी सूख गया। अब इसको ढक के छोड़ देंगे फ्रेंड, 1 घंटा के करीब आप इसको ढक के छोड़ दीजिएगा। जब तक पूरा पानी नहीं सूखता है फ्रेंड गैस बंद मत कीजिएगा। देखिए फ्रेंड हमारा पानी बिल्कुल सूख चुका है, आधा चावल पक गया, आधा और पकना है बाकी फ्रेंड। तो ये आधा चावल स्टीम से पकता है फ्रेंड, तो इसमें खिला एकदम ये खिला खिला चावल होता है, एकदम जस्ट पुलाव की तरह फ्रेंड। तो अब हम गैस को बंद कर रहे हैं फ्रेंड, और इसको 1 घंटा, बिल्कुल 1 घंटा आप छोड़ दीजिएगा फ्रेंड ढके हुए। देखिए हमारा ये चावल देखिए कितना खिला खिला बन गया फ्रेंड। देखिए इसमें हमको लगा फ्रेंड 1 kg अनार का जूस, आप कम भी ले सकते हैं फ्रेंड, लेकिन पौष्टिक बनाना है तो जूस, सिर्फ प्योर जूस में ही चावल को आप बना सकती हैं फिर, थोड़ा सा मीठा होता है, बच्चे और खुशी से खाएंगे फ्रेंड ये चावल को। और उनमें आजकल जो टीवी मोबाइल देख के आंख वगैरह खराब हो रहा है फ्रेंड, वो बच्चों को इतना एनर्जी फुल रखेगा फ्रेंड, और हर तरीके से ये एनर्जी देगा फ्रेंड। और जो बच्चे गेम खेलते हैं उनके लिए तो बहुत ही एनर्जी गिविंग फूड है फ्रेंड ये। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं फ्रेंड। ये देखिए हमने थोड़े से अनार रखे हैं फ्रेंड इसको डेकोरेशन के लिए। शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड झटपट चटपट घरेलू डिश को, और बेल आइकन दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड इसका डेकोरेशन भी आप अच्छे से कीजिए, ताकि खाने वाले का मन मुग्ध हो जाए फ्रेंड। ये कोई होटल रेस्टोरेंट कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड, आप बस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड झटपट झटपट घरेलू डिश में, और बच्चों के लिए भी एनर्जेटिक फूड मिलेगा फ्रेंड, ताकि बच्चे हर तरह से इंडिया में स्वस्थ रहे फ्रेंड।
ऐसे फूड खा के कलर और इन सब चीजों से दूर रखिए और अच्छे से अच्छे भोजन कराइए ताकि वो अधिक ग्रो करे फ्रेंड। तो चलिए अब इसको आप बच्चों को सर्व कीजिए फ्रेंड, और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए फ्रेंड। और फ्रेंड